Hello students, today we are going to learn mathematics subject and our 7th lesson is variation. Practice set 7.2 में हमने 3 question देखे थे, question number 4th. आज हम देखेंगे, देखिए question number 4th में आपको क्या दिया है, एक statement दिया है, सिर्फ उसे आपको variation में लिखना है, okay? The question क्या है, देखिए the wavelength, okay? Wavelength of sound, okay? Sound के जो error आते हैं, okay? वो L दिखा है एंड इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ F आर इन इनवर्स वेरिएशन. देखो ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या है, इनवर्स वेरिएशन है. साउंड के लिए उन्होंने L दिखाया है, सो L अल्फा, ओके. और इनवर्स वेरिएशन है तो इनवर्स क्या होता है, 1/F, ओके. आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखना है और कुछ नहीं करना है. सेकंड देखिए, द इंटेंसिटी एल ऑफ लाइट वेरियस इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस डी, ओके, ऑफ अ स्क्रीन फ्रॉम द लैम्प, ओके. यहां पे इंटेंसिटी एल दिखा है और डिस्टेंस डी, दोनों में क्या है, उन्होंने क्या कहा कि फ्रॉम द एल इनवर्सली. देखो यहाँ पे वेरियस इनवर्सली है, मतलब वेरियस इनवर्सली का मतलब भी क्या होता है, इनवर्स वेरिएशन. सो यहाँ पे एल अल्फा डी, ओके, 1/D, इनमें क्या है, इनवर्स वेरिएशन है. इसी टाइप में आपको ये लिखना है. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया है, इफ x अल्फा 1/√y एंड व्हेन x इज इक्वल टू 40 y इज इक्वल टू 16, इफ x इज इक्वल टू 10 फाइंड y, ओके. आपको क्या फाइंड करना है, y. तो सॉल्यूशन लिखते हैं, फर्स्ट यहां पे हम सॉल्यूशन लिखेंगे, ओके. यहां पे देखिए इनवर्स वेरिएशन है, x अल्फा 1/√y, ओके. ये क्वेश्चन है, सो आपको पहले k निकालना पड़ेगा. सो हम क्या करेंगे, अल्फा के जगह पे देखिए यहाँ पे देयर फॉर अल्फा के जगह पे क्या करते हैं, इज इक्वल टू ये के. और क्योंकि यहाँ पे अगर के लिखा तो के वन जा के ही आएगा ना, सो ये हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं, ओके. सो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू के अपॉन स्क्वायर रूट वाई, ओके. सो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे क्या हर वक्त लिखते हैं हम, के इज अ कॉन्स्टेंट, ओके. के क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ओके. इसके बाद इसे हमें देखिए, ये यहाँ पे y स्क्वायर रूट में जो है ये क्या है, डिवाइड है. सो यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे जाएगा तो इस तरीके से होगा, ओके. x मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट y इज इक्वल टू के, ओके. और ये आपका, इसे ही हम कैसे लिखते हैं, x, इसका मतलब स्क्वायर रूट और x दोनों वेरिएबल है तो इसके बीच में मल्टीप्लाई की साइन दिखाते नहीं, होती है लेकिन दिखाते नहीं, ओके. इज इक्वल टू y. सो ये क्या हुआ, इक्वेशन हुआ, ओके. सो ये इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ओके. फिर इसे हमें यहां पे, अभी क्वेश्चन में क्या कहा है कि x 40 है और y कितना है, 16 है. सो यहाँ पे लिखते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 40 एंड y इज इक्वल टू 16. अगर ऐसे है तो फिर ये क्वेश्चन हमें लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ पे x, देयरफॉर x स्क्वायर रूट y इज इक्वल टू k. सो यहाँ पे क्या आएगा, 40 स्क्वायर रूट में 16 इज इक्वल टू के. देखिए यहाँ पे नंबर आ गए तो हमें मल्टीप्लाई देना पड़ेगा, स्क्वायर रूट में 16 है. सो देखिए 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4, ओके. 16 का स्क्वायर रूट होता है 4. सो यहाँ पे इज इक्वल टू 14, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या है, 16, यानी 16 का स्क्वायर रूट 4, ओके. सो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 4 4 16, तो 160 इज इक्वल टू के, ओके. लेकिन k
के क्या है कांस्टेंट, के इज इक्वल टू कितना आया 160, ओके। लेकिन ये के क्या है कांस्टेंट है, हमें इक्वेशन ऑफ वेरिएशन लिखना है। सो हम क्या लिखेंगे कि ये हमारा जो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन था क्या था, एक्स ओके एक्स स्क्वायर रूट वाई इज इक्वल टू कितना आया के 160। तो ये क्या हुआ हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ओके ये हमारा आया इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। लेकिन उन्होंने और आगे कहा है कि हमें क्या निकालना है, y निकालना है। इफ x, अगर x 10 है तो y कितना होगा ये हमें निकालना है, ओके। सो यहाँ पे हमें नीचे लिखना है सब्स्टिट्यूटिंग, यानी हमें क्या करना है सब्स्टिट्यूटिंग, ओके। यानी हमें इंक्लूड करना है, क्या इंक्लूड करना है यहाँ पे x, x इज इक्वल टू 10, x के जगह पे 10 हमें इंक्लूड करना है क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है, ओके। सो हमें y फाइंड करना है। सो हम यहाँ पे लिखते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन है ना यहाँ पे देखिए, x स्क्वायर रूट y इज इक्वल टू 160। तो यहाँ पे x के जगह पे क्या होगा 10 स्क्वायर रूट y, ओके इज इक्वल टू 160, ओके। अभी हमें y निकालना है, सो यहाँ पे स्क्वायर रूट y इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे जाकर इज इक्वल टू के इस साइड में जाएगा तो डिवाइड होगा, ओके। सो डिवाइड होगा तो वो ये 0 0 कट गए, बचा क्या 16। तो स्क्वायर रूट y इज इक्वल टू 16, ओके। स्क्वायर रूट y यहाँ पे स्क्वायर रूट है, ओके। और यहाँ पे स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 16 आया है, अगर ये स्क्वायर रूट हमें हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 16 का स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ओके। सो 16 का यहाँ पे स्क्वायर लिखते हैं और यहाँ पे हम आगे सॉल्व करेंगे। देखिए 16 का अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर, y का भी स्क्वायर कर लिखेंगे और 16 का भी स्क्वायर लिखेंगे, सॉरी इसका स्क्वायर लिखेंगे तो क्या होगा y होगा और इसका स्क्वायर। अभी यहाँ पे 16 का स्क्वायर होता है 16 मल्टीप्लाई 16 कितना होता है 256, ओके। इसीलिए y इज इक्वल टू कितना आया, देयर फॉर y इज इक्वल टू 256, यही हमें पूछा था, ओके। सो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, x वेरियस इनवर्सली एज y व्हेन x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 10, इफ x इज इक्वल टू 20 देन y इज इक्वल टू व्हाट, ओके। सॉल्यूशन यहाँ पे लिखना है, इनवर्सली वेरिएशन है, किसमें इनवर्सली वेरिएशन है x और y में, सो x अल्फा 1 अपॉन y आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि इनवर्स वेरिएशन दिखा रहा है, ओके। सो इनवर्स वेरिएशन इस तरीके से लिखा जाता है। फिर हम क्या करेंगे k निकालेंगे, ओके। फिर देयर फोर एक्स अल्फा के जगह पे क्या आता है इज इक्वल टू के, ओके एंड 1 अपॉन y, ओके। सो यहाँ पे अगर इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या होगा के वन जा के, ओके। सो यहाँ पे के अपॉन y होगा, x इज इक्वल टू के अपॉन y, ओके। लेकिन k क्या होता है यहाँ पे लिखते हैं, k इज अ कांस्टेंट होता है, ओके। और फिर ये डिवाइड है तो ये क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, यानी एक्स वाई इज इक्वल टू के इस तरीके से आएगा, ओके। और ये आपका है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ओके, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन वेरिएशन। जब k की वैल्यू आती है तो आपको एक्स वाई लिखकर k की वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट करनी पड़ती है, ओके। सो यहाँ पे इसे अभी सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या दिया है, व्हेन x इज इक्वल टू 15, ओके,
एक्स कितने हैं 15 एंड वाई इज इक्वल टू 10। ओके, जब एक्स 15 है और वाई 10 है तो यहां पे एक्स वाई इज इक्वल टू के। ओके, सो एक्स है 15 मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई होता है। ओके, तो 15 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू के, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना होगा, 15 टेन 150 इज इक्वल टू के, लेकिन के क्या है, के कांस्टेंट है। ओके, सो यहाँ पे लिखना है के इज अ कांस्टेंट और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन कैसे लिखेंगे हम, सो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एक्स वाई इज इक्वल टू 150, क्योंकि k क्या है, ये है। ओके, सो इसे कहते हैं हम इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ओके, वेरिएशन, सो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन आ गया, लेकिन आगे क्या पूछा, इफ अगर x 20 है देन y कितना होगा। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है क्या, 20। ओके, एक्स की जगह पे 20 लिखना है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इज इक्वल टू 20। ओके, एक्स की वैल्यू क्या करनी है, 20, सो यहाँ पे देयरफॉर एक्स वाई इज इक्वल टू 50 है, यहाँ पे देयरफॉर एक्स की जगह पे 20। ओके, मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू 150। ओके, अभी y निकालना है, 150 20 यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ये डिवाइड होगा, 0 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना होगा, 7.5। देखिए यहाँ पे डिवाइड करके देखिए, टू सेवन जा 14। ओके, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, फिर यहाँ पे पॉइंट लेंगे और 2 5 तो आंसर कितना आया, 7.5। ओके, सो y की वैल्यू कितनी आई, 7.5, यही हमें निकालने के लिए कहा था, और यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 7.2 कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।